तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जो भी SSR MR की नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड के कारण आपकी जो ये वैकेंसीज़ हैं वो उसमें हाईएस्ट परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स का ही एडमिट कार्ड आया था, और MR में भी ऐसा होने वाला है। तो SSR MR की मैं तीनों की बात करूँगा, और क्लियर वीडियो को ध्यान से यदि देख पाएंगे और समझ पाएंगे पूरा प्रूफ के साथ बताऊँगा इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर जाकर, तो आपको क्लियर पता लग पाएगा कि इंडियन नेवी की नेक्स्ट वैकेंसीज़ कब आने की संभावना है और कब आ सकती है। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड रहेगा, आप क्लियर इसको समझ पाएंगे और तैयारी कंटिन्यू रखें। आप सभी को पता है कि सबसे पहले आप गूगल पर जाते हैं, इंडियन नेवी सर्च करते हैं, और इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट यही है www.joinindiannavy.gov.in। आपको सिंपल इस साइट पर क्लिक करना है, आपको पता है। ठीक है, नई कैंडिडेट्स को क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि साइट को उनके बारे में क्लियर नहीं पता हो, तो सारे अपडेट इंडियन नेवी ने यहाँ पर दिए हुए हैं इस ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी वो भी इंडियन नेवी ने यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, राइट। 3 डॉट पर जैसे क्लिक किया तो आपके सामने ये ऑप्शन होंगे। आपको सिंपल सी बात है, जो ये सेकंड ऑप्शन आपके पास दिख रहा है ज्वाइन नेवी, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर इस डॉट पर, जैसे ही आप इस डॉट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोर्शन ओपन हो जाते हैं इस तरह के कुछ इंटरफेस। आप वे टू ज्वाइन है, इस पोर्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो सारी प्रोसीजर आप समझ पाएंगे, वीडियो को अच्छे तरह देख पाएंगे तो पूरा पता लगा है कि नेवी की नेक्स्ट वैकेंसीज कब आनी है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ हम जाएंगे तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सैलियर वाले पोर्शन पर। ठीक है, राइट। सैलियर वाले पोर्शन पर क्लिक क्यों करेंगे, तो क्योंकि ये सैलियर वाले पोर्शन होता है SSR और MR, ये तीनों ही आपकी सैलियर की पोस्ट होती है। इसमें AA की भी, SSR की भी MR की भी, और AA SSR की जो भी स्पोर्ट्स कोटा से संबंधित आती है वो भी, और MR की म्यूजिशियन भी। सारी ये पोस्ट जो 4-5 पोस्ट होती है वो सैलियर पोस्ट के अंतर्गत आती है। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो साइट आगे की तरफ है, वो मूव करती है, तो इसके बारे में हम आगे की तरफ आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल साइट मूव कर गई है। अब मूव करने पर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो सैलियर्स के बारे में आपको ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इंडियन नेवी आगे साइट आगे की तरफ मूव होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सैलियर, आप देख सकते हैं एंट्री AA SSR MR, जिसमें चीफ स्टीवर्ड और यहाँ पर हाइजीनिस्ट के बारे में दिया हुआ है। नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये तीनों पोर्शंस है, इसके बारे में इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए नीचे एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि जब भी नेवी की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले या तो आपको न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन मिलती है या भी कोई भी प्राइवेट साइट पर उसका एडवर्टाइजमेंट आता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया होता है, ये दिया होता है कि आपके नेवी AA SSR MR के ऑनलाइन फॉर्म इस समय से इस समय तक रहेंगे, आप नेवी की ऑफिशियल साइट पर जाकर भर सकते हो। इसकी इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर भी होती है। दूसरी कंडीशन में वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है, सभी प्रोसेस है आपको दिए होते हैं, और क्या क्या आपके रिटर्न एग्जाम में चेंज होंगे वो सारे एडवर्टाइजमेंट में होते हैं। अब सिंपल सी बात है, नेवी की वैकेंसी कब आती है, जब नेवी का एडवर्टाइजमेंट आता है AA SSR MR का। अब यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी आपका SSR मैट्रिक्स रिक्रूटमेंट MR, और आपका स्पोर्ट्स एंट्री आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और म्यूजिशियन से संबंधित आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर कोई भी नेशनल रीजनल न्यूज़पेपर है उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट कब कब आता है, या तो दिसंबर जनवरी में आता है या फिर आपका जून जुलाई में एवरी ईयर है वो पब्लिश किया जाता है। यानी कि आपकी नेवी की 2 बार वैकेंसीज आती है AA SSR MR की, एक तो आपके दिसंबर जनवरी में, एक आपकी जून जुलाई में आती है, राइट, जब आपका एडवर्टाइजमेंट आता है। अब यहाँ पर देखिए ये इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट पर बताया गया। अब यहाँ पर अभी आपने देखा कि जो AA SSR की जो वैकेंसीज आई थी वो कौन से बैच की थी, वहाँ पर कौन सा बैच रखा था, अगस्त 2021 बैच, राइट। अब आगे जो वैकेंसीज आएगी वो कौन सी आएगी, फरवरी 2022 की। कब आएगी, फरवरी 2022 की, यानी कि ये फरवरी में उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और उनकी जो मेरिट लिस्ट कब आएगी, दिसंबर के आसपास, यानी कि कब आएगी, दिसंबर के आसपास, राइट, ओके, आप समझ चुके होंगे। अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं तो मैं आपसे डिस्कशन करूँगा कि जब आपकी अगस्त में ज्वाइनिंग हो रही है तो आपका कब आपका एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए, दिसंबर जनवरी में,
पहले आता था, यानी कि ये कोविड के कारण थोड़ा गड़बड़ हुई है कि आपका जून में नई ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, उसके बाद तुरंत ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, तुरंत ही आपकी मेरिट लिस्ट आई, उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे, तो ये कोविड के कारण है। लेकिन ऐसा आगे नहीं होगा, आगे जो भी आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज आएगी उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम ही इंडियन नेवी कराएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी आपकी भारी आपदा न आए, यानी कि कोविड उविड है वो तीसरी लहर नहीं आए या फिर कोई प्रॉब्लम न हो, तो वहाँ पर इंडियन नेवी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगी। यदि कुछ तीसरी लहर का चक्कर रहता है तो इनको यदि दोबारा से अपनी फरवरी 2022 बैच यदि भरना होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपका दोबारा से ऑफलाइन एग्ज़ाम करा सकते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ बच्चों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपका जब दिसंबर जनवरी में, मैं आपको बता देता हूँ, दिसंबर जनवरी में जब आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं नेवी के, तो आपका फरवरी में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसके बाद फरवरी में एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, मार्च या अप्रैल में आपका क्या होता है, सिंपल सी बात है, मार्च अप्रैल में आपका पीएफटी होता है। पीएफटी होने पर, मेडिकल होने पर, 21 देर का टाइम मिलने पर आपका 21 या 23 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट आती है, ये क्लियर है, और अगस्त में बच्चे ज्वाइनिंग चढ़ते हैं। ये पूरा पोर्शन होता है एक बैच का। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा बैच यानी कि जून जुलाई वाले बैच का पोर्शन क्या होता है, जून जुलाई वाले बैच का पोर्शन ये होता है कि जून जुलाई में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका अगस्त में क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आपका आगे की तरफ बात करें तो आपकी दिसंबर में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है, मेरिट लिस्ट आती है और आपको फरवरी 2022 बैच में यानी कि ज्वाइनिंग अगले साल चढ़ा दी जाती है। ये सारे पोर्शन हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी जून जुलाई में आनी थी, लेकिन कोविड की वजह से इंडियन नेवी ने पहली वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म जून जुलाई में मांगे, तो अब आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज कब आ सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूँ आपसे, जो आपकी इंडियन नेवी की जो नेक्स्ट वैकेंसीज आपकी आएगी, वो सिंपल सी बात है कि SSSR की आपकी ये हो चुका है पोर्शन क्लियर। ठीक है, बच्चों को मेरिट लिस्ट तक पहुंच चुके हैं, ज्वाइनिंग उनकी बस अगस्त में बाकी है, और अगस्त में जब बच्चे ज्वाइनिंग चढ़ते हैं, जब इंडियन नेवी का पेपर होता है, और अब की बार आप ध्यान रखना कि अगस्त के लास्ट तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या आपके ऑनलाइन फॉर्म SSSR और MR के दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगस्त में आपके MR के बच्चे पेपर दे चुके होंगे, और MR के बच्चों का जब पेपर हो चुका होगा तो वहाँ पर अगस्त के लास्ट तक तो आप देख सकेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। इंडियन नेवी नेक्स्ट वैकेंसी अगस्त के लास्ट तक लाकर आ सकती है, ये एयरफोर्स नेवी स्टडी का अनुमान है। ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें बता रखी होती है, और अप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी गई है। ठीक है, कॉल लेटर्स कैसे आते हैं वो सारे आपको कंडीशन दी गई है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे होती है, फाइनल इनरोलमेंट आपका मेडिकल कैसे होता है, अप्लीकेशन फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी नई कैंडिडेट्स की, इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। हाँ, अगली नेक्स्ट वैकेंसी की जो SSSR और MR की आएगी, ठीक है, ये अब जो आएगी उसमें एज लिमिट क्या होगी, ठीक है, AA की SSR की अलग होगी, आपको पता है MR की अलग होगी। अब MR के बारे में बात करूँ, कई बच्चे कहेंगे MR के बारे में डिस्कशन नहीं किया, भाई MR का सिंपल सी बात है, MR का ये अक्टूबर बैच है, अक्टूबर 2021 वाला बैच, अगली जो आपका वैकेंसीज होगी वो क्या होगी, अप्रैल 2022 वाली, यानी कि आपका प्रोसीजर है वो नेवी जो SSSR है उससे 1.5 महीना है वो लेट रहता है। ठीक है, यानी कि ज्वाइनिंग इन बच्चों को बाद में मिलती है, लेकिन पेपर इनके साथ में हो जाता है, ऑनलाइन फॉर्म साथ में होता है, लेकिन कोविड की वजह से अब की बार अलग प्रोसीजर थोड़ा सा हुआ है। तो समझ चुके होंगे कि इनकी वैकेंसीज भी SSSR के बाद आ जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, कभी एक हफ्ते का टाइम लेती है, कभी 15 दिन का लेती है, या कभी 1 महीने के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सभी चीज़ समझ चुके होंगे। अब एज लिमिट क्या रहेगी, SSSR की आपको पता है एज लिमिट अलग रहेगी, MR की एज लिमिट अलग रहेगी, तो अब की बार एज लिमिट में आपको बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि अब की बार इंडियन नेवी ने आपको एज रिलैक्सेशन है वो दिया था SSSR और MR में, लेकिन अब की बार नहीं देगी, क्योंकि सभी बच्चों को चांसेस वो मानते हैं कि मिल चुका है, तो एज लिमिट में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको यदि कमेंट करेंगे कि सर हाँ एज लिमिट के बारे में बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एज लिमिट के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो, तब तक के लिए जय हिंद।